अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गायना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताऊंगी जो आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 गार्डन एंड हॉर फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज भी करने हैं एंड देन इसको अपने पास जो है वो नोट्स में राइट डाउन भी कर लेना है। सो मेरा चैप्टर है द सेल एंड इट्स फंक्शंस। अच्छा, सेल एंड इट्स फंक्शंस की जब भी हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। सो ये जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या आपकी बॉडी में 100 trillion सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, फिर ये बेसिकली सर्वाइव कर रहे होते हैं मंथ से लेके ईयर्स तक और आपके पास सराउंडिंग्स में प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी के फ्लूइड को बेसिकली एक तरीके से मेंटेन कर सकें, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। सराउंडिंग में जो फ्लूइड्स होता है और आपके पास ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए या जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के लिए, ठीक है, उसके लिए आपके पास जनरली इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को रीड करो। अब ये सारे ये पॉइंट आपने अपने एग्जाम में नहीं लिखने, ठीक है, तो इसलिए इसको जस्ट आपने रीड करना है, इस पैराग्राफ को जस्ट रीड करना है। तो आप अपनी बुक में इस पैराग्राफ को कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो ये आपने कैंसिल कर दिया कि ये आपके लिए पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम आप आगे अगर मूव करते हैं तो आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल भी ना आपने ये तमाम चीज़ें जनरली जो आपका सेकेंड ईयर होता है यूनिवर्सिटी लाइफ का, जो सेकेंड ईयर आपका बेसिकली कॉलेज लाइफ का होता है, उसमें आप लोगों ने ये सही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें भी वो आपसे नहीं पूछेगा। एक टिपिकली मींस कि आपके पास जो सेल है उसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हो, फिगर आपको दिखाई गई, नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फिगर आपको दी गई है 2.1, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि सेल है, ये आपके पास पूरा एक सेल दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा एक न्यूक्लियस है, ये आपके पास जो पर्पल कलर का ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग्स में आपके पास क्या है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और ये फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आप लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हो। अच्छा, ये डायग्राम से थोड़ी चीज़ें याद करना आप लोगों को आनी चाहिए, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि वो आपसे क्या कहता है कि बेसिकली सेल के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस है, दूसरा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होता है सराउंडिंग फ्लूइड से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो जर्नल सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको आनी चाहिए, तो इसको जो है आप मार्क कर लो कि ये तो कॉमन सी एग्जाम्पल है, आप लोगों को ये मेन पॉइंट याद भी होगा, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है कि न्यूक्लियस सेल का मेन मेजर पार्ट है और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में सेपरेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, और साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है सराउंडिंग फ्लूइड से बाय सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पॉइंट मेन है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, नीचे चलते हैं। अब उसके बाद इन्होंने क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जो सेल को बनाते हैं, जिसमें जो आपके पास मेन है उसमें प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म खुद किससे बना हुआ होता है, मेन पांच चीज़ों से, ये याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इट्स यहाँ तक आपके पास ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक ये जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक। अच्छा, अब बात आ जाती है वाटर की, ठीक है, कि ये प्रोटोप्लाज्म के आपके पास ना कंपोजिशन है, ठीक है। वाटर की आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्योंकि आप ECF ICF भी पढ़ोगे और बॉडी के अंदर वाटर का कितना कंटेंट है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करोगे। तो बेसिकली, ठीक है, कि आपके पास प्रिंसिपल जो फ्लूइड मीडियम होता है सेल में वाटर होता है, 70-85% आपके पास जो है वाटर से बॉडी कंपोज हुई है, ये परसेंटेज आपने याद रखनी है। बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंस है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और आपके पास सस्पेंड होते हैं कुछ सब्सटेंसेस वाटर में एज सॉलिड पार्टिकल के तौर पर, केमिकल रिएक्शंस के लिए बेसिकली वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड करता है। सो ये आपके पास वाटर में आपके पास यहाँ तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें आपने किस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया कि वाटर आपके पास है क्या और वाटर की कंपोजिशन कैसे हुई है, बॉडी की कंपोजिशन कैसे हुई है, कि वाटर कितने परसेंट आपकी बॉडी में होता है। फिर आपके पास आयंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मेन पॉइंट सिर्फ ये आपके पास है कि एक प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम है सेल में वाटर और दूसरी इसकी परसेंटेज, बस यही इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आयंस में। आयंस की बात करें तो सेल में हमारे पास बहुत सारे आयंस होते हैं, लाइक पोटेंशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटीज़ में सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम है, ठीक
ठीक है, तमाम चीज़। अब इनका अपना अपना रोल होता है, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, ECF और ICF के अंदर इनकी क्या कंपोजिशन है, ठीक है, तो उसको उन वीडियोज़ को भी जाके देखना। उसके अलावा देखो आपके पास ये आपको पता होना चाहिए जस्ट इसको रीड करना है। अब कोई आपसे पूछेगा तो नहीं कि कौन कौन से कंपोनेंट है, जस्ट इसको रीड करना है, ठीक है। आयंस जो होते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, ये बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं, वो आपके पास क्या कहते हैं, जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की नर्व मसल फाइबर में, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है और प्रोपोगेट करती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा, इसको आप देखो यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो ये सारी चीज़ें रीड करनी हैं, ठीक है, ये सारे कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास ऑलरेडी है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख लेंगे, अगर आपने नोट्स बनाने भी है तो वाटर एक प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम है, ठीक है। दूसरा, बॉडी में 70-85% होता है। आयंस के बारे में आप बस यही देख सकते हो कि आपके बॉडी में ना इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स के अंदर डिफरेंट आयंस होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज्म जो है, ठीक है, जितना भी बॉडी का एक कोऑर्डिनेट कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करवाने के लिए आयन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इतना सा, अब इसमें से पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ आपसे, अच्छा ये अब ऐसी आम सी चीज़ें हैं कि इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड ना उसके BCQs भी डिस्कस करूँगी जो क्वाइटन एंड हॉर फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे चलते हैं, सो प्रोटीन्स की बात हो रही है, ठीक है, कि अब हमारे पास ये सबसे पहले क्या था, हमारे पास मोस्ट अबंडेंट जो कंपाउंड था किसका, प्रोटोप्लाज्म का, वो हमारे पास वाटर था। वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारे पास सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये 10-20% ऑफ सेल प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ये पढ़ना है, इनको रीड करना है। टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होते हैं ना, ये आपके पास सेल में होते हैं मेनली आपके पास लॉन्ग फिलामेंट के फॉर्म्स में, ठीक है, और आपके पास क्या होता है, ये पॉलीमर होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें इंडिविजुअली लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपके पास मिलके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंट्रासेलुलर जो हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं वो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो आपके पास जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, उसमें जो साइटोस्केलेटन्स होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली आपके पास सिलिया, नर्व एक्सॉन्स होगा, या माइटोटिक जो स्पिंडल्स हो गए, या टेंग्लेन मास हो गया, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के पार्ट्स को होल्ड करते रखता है, या न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इन कंपार्टमेंट्स में यहाँ पे आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन इस तरीके से फॉर्म होते हैं, या आपके पास इस तरीके से रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलरली जो आपके पास फिब्रल प्रोटीन्स हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स हैं, ये कॉलेजन एंड इलास्टिक्स जो आपके पास फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, या ब्लड में ब्लड वेसल्स के अंदर, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, ठीक है। सो बेसिकली हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे ना कॉलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से रिलेटेड करेंगे कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको भी जस्ट रीड करना है, ठीक है, कि कितनी टाइप के आपके पास एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन की कितनी टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन फर्दर उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करोगे, आप कॉलेजन को डिस्कस करोगे और इलास्टिन को मेनली डिस्कस करोगे, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल हमारे पास प्रोटीन्स हैं, तो फंक्शनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये इंटायरली डिफरेंट होते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म में, ठीक है, ये मेनली एंजाइम्स की फॉर्म में होते हैं सेल्स में। अच्छा, जो हमारे पास फिब्रिलर प्रोटीन्स हैं ये सेल के फ्लूइड के अंदर मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बेसिकली इनमें से काफ़ी सारे जो होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के साथ बिल्कुल अडहेयर हो जाते हैं इनसाइड द सेल, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन, वो एज ए एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट कंटेंट किसके साथ होगा, कि ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जो भी फ्लूइड्स में होंगे उनके साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, और ये आपके पास इन तमाम फंक्शन को जो है वो एक तमाम जितने भी फंक्शंस हैं एंजाइम्स के तौर पर यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स काम कर रहे हैं, तो इट्स मींस उन तमाम रिएक्शन को ये स्पीड अप करेंगे, उनमें अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि स्प्लिट करता है ग्लूकोज को
डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स के अंदर, ठीक है, और फिर इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं विद ऑक्सीजन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसमें साइमेंटलीसी हमें मिल सके, ठीक है। सो बेसिकली अगर सिंपल बात करें तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ना ये तमाम चीज़ें रीड करनी है। इनमें से आप चीज़ें कुछ पूछेंगे नहीं एमसीक्यूज के तौर पर। इसको इस तरीके से रीड करना है कि आपके पास ना प्रोटीन, ठीक है, सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है, और जो सबसे वाटर के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, वो हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं एंड फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन्स का क्या काम है, ये जस्ट आपने रीड करना है इसका फंक्शन। अच्छा देखो, जिन स्टूडेंट्स के पास एमसीक्यूज के तौर पर आता है, ठीक है, उनके लिए तो ये वाले टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से इतने खास एमसीक्यूज पिक नहीं किए जाते। लेकिन जिनके पास सिक्वेंस क्वेश्चन आता है तो उनसे पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कैसे है, ठीक है, कैसे सेल किस चीज़ से बना हुआ है। तो उनको, उन बच्चों के लिए यह है कि आप हर एक जो प्रोटोप्लाज्म का सब्सटेंस है उसको अलग अलग से लिखेंगे, ठीक है। उसमें मीन्स के फंक्शनल प्रोटीन भी लिखेंगे तो उसके भी फंक्शन लिखेंगे, उसके साथ साथ अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन लिखना है तो उसके भी अपने फंक्शन लिखने हैं। अच्छा, तो यहाँ तक इस पेज पे अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये भी जस्ट रीड करना है, ये आप अपनी बुक से कैंसिल कर लो, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करूँ तो ये भी सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने रटना है बैठ के। वाटर के बारे में आपको पता होता है, ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ एक बीसीक्यूज के तौर पर इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो कि कितने परसेंट आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है, ठीक है। आयंस में जस्ट सिंपल आपके पास आपकी बॉडी में आयंस होते हैं, ठीक है, कितनी कैटेगरी के होते हैं, तमाम आयंस के जस्ट नाम लिख लेना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता आयन का यहाँ वाला पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिक्वेंस क्वेश्चन के लिहाज से कहूँ तो उसमें फिर आपने लिखना है कि आपकी बॉडी में कितने आयंस होते हैं, ठीक है, और बेसिकली ये आपकी बॉडी का सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। और एग्जांपल आपने कौन सी देनी है कि जैसे हमारे पास जो नर्व्स की कनेक्शन है, ठीक है, या इंपल्सिस जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट करने के लिए आपके पास आयंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं प्रोटीन्स में तो इसमें से, ठीक है, इसमें से ऐसे बी सी क्यूज नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन हमारे पास सिक्वेंस क्वेश्चंस के अंदर ना इसको आप लोग बी सी क्यूज तो नहीं आ सकते, लेकिन सिक्वेंस क्वेश्चन के अंदर जिनके यहाँ क्वेश्चंस बन के आते हैं तो उसमें उन्होंने लिखना है कि प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली, अच्छा एक बी सी क्यूज कर लो ये वाला कि 10-20% ऑफ द सेल मास होता है, मतलब कितने परसेंट आपको जो है वो प्रोटीन सेल में मिलता है, जस्ट ये एक बी सी क्यूज कर लो। अदरवाइज ये बी सी क्यूज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें जिनका सिक्वेंस क्वेश्चन आता है तो उनको तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपने फिर प्रोटीन का एक उसका लिखना है कि ये कितने परसेंट होता है बॉडी में, देन कितनी टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, और फिर आपके पास जो है फंक्शनल प्रोटीन क्या काम करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो आपके पास लेक्चर है उसके अंदर फिर फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर इससे रिलेटेड, इस पेज से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो बता देना, ठीक है। मैंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रॉस करते जाओ अपनी बुक में, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन जूम क्लासेस भी होती हैं तमाम एमबीए सब्जेक्ट की, तो वो भी अगर किसी ने लेनी है तो उसके लिए भी आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई होप यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। तो हाफिज़।